दोस्तों, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली थे, जो कि पानी के ऊपर भी चल सकते थे। एक मर्तबा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह समंदर पार करने के लिए पानी के ऊपर चल रहे थे, तो एक शख्स ने आपको देखकर पुकारा, जुनैद बगदादी, मुझे भी दरिया पार करनी है, मुझे भी दरिया पार करवा दीजिए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, ठीक है, मेरे पीछे पीछे या जुनैद कहते हुए चले आओ। उस शख्स ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के पीछे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के कहने पर आप रहमतुल्लाही अलैह के पीछे या जुनैद कहते हुए पानी के ऊपर चलने लगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह या अल्लाह कहते हुए पानी के ऊपर चल रहे थे, जैसे कि जमीन के ऊपर चल रहे हों। उस शख्स ने भी या जुनैद कहते हुए पानी की सतह पर चल रहे थे, मगर अचानक शैतान वसवसे डालने के लिए हाजिर हुआ और कहने लगा कि खुद जुनैद या अल्लाह पढ़ रहा है और तुझे कह रहा है या जुनैद पढ़ो। वो अल्लाह जो जुनैद को सुनता है तेरा क्यों नहीं सुनेगा? जो जुनैद को दरिया पार करने के लिए मदद कर सकता है तो तुझे क्यों नहीं करेगा? तू क्यों या जुनैद कह रहा है? तू भी या अल्लाह कहना शुरू कर दे, दरिया जल्दी पार कर लोगे। उस शख्स ने शैतान के वसवसे में आकर या जुनैद के बजाय या अल्लाह कहना शुरू कर दिया। जैसे ही वह शख्स या अल्लाह कहने लगा, वो पानी में डूबने लगा तो फौरन चिल्लाने लगा, हजरत मदद कीजिए। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, मैंने तुझे कहा था कि या जुनैद कहो। उस शख्स के दिल में ख्याल आया कि पहले दरिया पार कर लूं, फिर हजरत से पूछूंगा। अल्लाह का नाम लिया तो दरिया में डूबने लगा, और जब जुनैद का नाम लिया तो नहीं डूबा। तो वह शख्स फिर से या जुनैद कहने लगा, तो फिर से पानी के ऊपर चलने लगा। फिर वो शख्स या जुनैद कहते हुए दरिया पार कर लिया। जब दरिया पार कर लिया तो वो शख्स आपसे पूछने लगा कि हजरत, आप मुझे बता दीजिए कि मैंने या अल्लाह कहा तो दरिया में डूबने लगा, जब या जुनैद कहा तो दरिया पर चलने लगा, ये क्या माजरा है? इसकी वजह क्या है? मुझे समझा दीजिए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, पहले तू जुनैद तक तो पहुंच जा, फिर अल्लाह तक पहुंच जाना। दोस्तों, ये होती है अल्लाह वालों की शान कि जो काम आम इंसान नहीं कर सकता वो अल्लाह के वली कर गुजरते हैं। दोस्तों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के हर वली इज्जत व एहतराम के काबिल हैं। किसी भी वली के बारे में कोई भी गलत बात करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।